वेलकम टू माय चैनल राजकुमार सिंह इंग्लिश स्टार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं क्लास 9 के इंग्लिश पोएट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं। इस वीडियो में मैं एक आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से आदमी अपनी पूरी लाइफ में 7 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। इसको कंपोज किए हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज कविताएं जो होती है थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है, इसलिए भली भाली समझने के लिए ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्ड इज ए स्टेज, स्टेज मतलब रंगमंच। सारा संसार एक रंगमंच है एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। मेरली मतलब मात्र, प्लेयर्स मतलब पात्र। सभी मनुष्य तथा औरतें मात्र इस रंगमंच के पात्र हैं, या बोल सकते हैं कि खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड इंटेंसेज। एग्जिट्स मतलब हो जाएगा प्रस्थान, इंटेंसेज मतलब आगमन। मतलब हर इंसान का, हर औरत का प्रस्थान है और आगमन है, यानी कि हर कोई पैदा होता है और मर जाता है, और उसे 7 प्रकार की अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न पात्रों का अभिनय करता है। हिज एक्ट्स बीन 7 एजेस, और उसके जो एक्ट्स मतलब अभिनय होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं, वो 7 प्रकार की अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था में वह एक शिशु होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, म्यूलिंग मतलब बच्चे की तरह रोना, जैसे बच्चे रे रे करके रोते हैं। एंड प्यूकिंग मतलब उल्टिया करना। इन द नर्स आर्म्स, आर्म्स मतलब गोद में, जब वह पैदा होता है तो नर्स के गोद में वह बच्चों की तरह रे रे करके रोता है और उल्टिया करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग मतलब बोलेंगे अनिच्छा पूर्वक। एक जो स्कूल बॉय मतलब जो विद्यालय जाने वाला एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे विद्यालय भेजते हैं तो अनिच्छा पूर्वक विद्यालय जाता है। विथ ही सैचल, अपने बस्ते के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब जब एक बच्चा सुबह सुबह विद्यालय जाता है तो उसके चेहरे पे एक चमक होती है। ये चमक हम सोचेंगे 60 वर्ष होने के बाद में किसी बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ये जो छोटे बच्चे हैं उनके पर ही ऐसी चमक आती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए, लाइक्स मतलब समान, सेन मतलब जो घोंघा होते हैं, घोंघा के समान रेंगते हुए, मतलब जिस प्रकार से घोंघा धीरे धीरे रेंगता है उसी प्रकार से अनिच्छा पूर्वक वह बच्चा विद्यालय जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल मतलब विद्यालय अनिच्छा पूर्वक जाता है। एंड देन द लवर, जो उसका दूसरा स्टेज है, वह एक प्रेमी के रूप में है। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग मतलब जो आ भरता है, लाइक मतलब समान, फर्नेस मतलब भट्टी होता है, जैसे भट्टियों में भट्टियों से आवाज आती है उसी तरह से यह भी आहे भरता है। विथ ए ओ फुल बैलेड मतलब जो दुखी पूर्वक अपनी गीत गाता है या शोक गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्टेस आईब्रो, जो उसके मिस्टेस मतलब प्रेमिका के आईब्रो मतलब भाव से, मेड मतलब उत्पन्न होता है, मतलब ये है कि अपनी प्रेमिका के भावों को याद करके वह भट्टी के समान गर्म आहे भरता है, और उसी की वजह से वह दुखी पूर्वक या दुखपूर्ण गीत गाता है। देन ए सोल्जर, उसके बाद में जो स्टेज है वह एक सैनिक का है।
फूल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स, स्ट्रेंज मतलब अजीब अजीब या विचित्र, ओस मतलब ओट्स मतलब शपथ, वह विचित्र प्रकार की शपथ रखता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी दाढ़ी जो होती है वो पार्ड मतलब तेंदुए के समान होती है। दाढ़ी रखने का मतलब यह है जैसे तेंदुए की बड़े बड़े दाढ़ी होती है, तो दाढ़ी रखने का मतलब यह है कि वो भयानक दिखाई दे, एक सैनिक के रूप में वो भयानक दिखाई दे, इसके लिए वो दाढ़ी रखता है। जीलस इन आनर, जो सम्मान के लिए, जीलस मतलब इस्यालु होता है, मतलब जिसे सम्मान की चाहत होती है, हर काम में उसे सम्मान चाहिए, वो जहां कहीं भी जाए उसे सम्मान की जरूरत होती है या वो सम्मान की उम्मीद करता है। सडेन एंड क्विक इन क्वेरल, वह झगड़े में, क्वेरल मतलब झगड़े में, क्विक मतलब शीघ्र, सडन मतलब अचानक, अचानक और शीघ्र ही वह झगड़े में पड़ जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल मतलब जो पानी का बुलबुला होता है, उसकी जो रेपुटेशन मतलब जिस तरह से बुलबुला बनता है फूट जाता है, बनता है फूट जाता है, तो कह रहा है कि उस प्रकार से वह अपनी रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि के लिए, इवेन इन द कैनन माउथ, कैनन मतलब तोप, यहां तक कि वह तोप के मुंह में भी जाने को तैयार रहता है। कहने का मतलब यह है कि अपनी थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए वह तोप के मुंह में भी जाने को तैयार रहता है। तोप के मुंह का मतलब यह हुआ कि वह मरने के लिए भी तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, इसके बाद जो अवस्था होती है वह एक न्यायाधीश की होती है, जब वह एक न्यायाधीश बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली, जब वह न्यायाधीश बन जाता है या न्यायाधीश की भूमिका निभाता है, उस समय उसके जो बेली मतलब पेट होते हैं वह गोल मटोल हो जाते हैं। फेयर मतलब अच्छे, राउंड मतलब गोल मटोल, तो उसके पेट गोल मटोल होकर बाहर निकल जाते हैं। विथ गुड कैपन लाइन, कैपन मतलब होता है खाने वाला मुर्गा, तो यहाँ पे मतलब यह कि जिस प्रकार से मुर्गे के शरीर पर धारिया बन जाती हैं, लाइन मतलब धारिया, उसी प्रकार से उसके पेट बाहर निकलने की वजह से उस पर धारिया बन जाती हैं। विथ आईज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो आंखें होती है वह तेज हो जाती है, यानी वह पैनी दृष्टि वाला हो जाता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, जो दाढ़ी रखता है, फॉर्मल कट मतलब साधारण सी दाढ़ी रखता है, जैसे पहले क्या था कि वह तेंदुए के समान दाढ़ी रखता था, लेकिन अब वह साधारण सी दाढ़ी रखता है। फूल ऑफ वाइज साज, साज मतलब होता है कहावतें, बुद्धिमानी पूर्वक कहावतों से भरा होता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे कहावतें होती हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज, और आधुनिक, इंस्टेंसेज मतलब उदाहरण होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से वह अपने पार्ट मतलब भूमिका को, प्लेज मतलब अदा करता है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह अपनी भूमिका को निभाता है। द सिक्स एज सिप्स, जो उसकी छठवीं उम्र होती है, जो छठवीं अवस्था होती है, वो सिप्स मतलब इस प्रकार से बदल जाती है। इंटो द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, कराए कि वह उस समय झुक जाता है, स्लीपर्ड मतलब चप्पल पहनने लगता है, पेंटालून मतलब पतलून पहनने लगता है। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उसकी नाक पर स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा लग जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, इसको थोड़ा सा गौर से हम लोग देखेंगे, पाउच ऑन साइड का मतलब होता है, देखिए पाउच मतलब थैली होता है, उसके बगल में थैली हो जाती है। अब यहाँ पे थैली का मतलब यह है कि उसका जो शरीर है, उसकी जो त्वचा है, वह झूल के थैली के समान दिखने लगती है, या फिर इसको कह सकते हैं कि वह ऐसे कपड़े पहनता है जिसके दोनों तरफ थैली लटक जाती है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही है। His youthful was well saved, जो उसके youthful मतलब जो जवानी के
जब वो नौजवान होता है तो जो उसके होज मतलब कपड़े होते हैं वेल सेव्ड अच्छी प्रकार से सुरक्षित रखे होते हैं, ए वर्ल्ड टू वाइड, और जो ये संसार उसको बहुत विशाल समझ में आता है, फार, क्योंकि हिज श्रंक सैंक, उसके जो श्रंक मतलब पैर जो होते हैं वो सिकुड़ गए होते हैं, सैंक मतलब सिकुड़ गए होते हैं, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और जो उसकी बड़ी एक आदमी की तरह जो आवाज होती है, टर्निंग अगेन टुवार्ड्स चाइल्डिश, वह दोबारा, टर्निंग मतलब मुड़ जाती है दोबारा, टुवार्ड्स मतलब तरफ, चाइल्डिश मतलब बच्चा, एक बच्चे के समान जो उसकी आवाज होती है दोबारा हो जाती है, ट्रेबल मतलब जैसे छोटे बच्चे क्या होता है बोलते हैं तो उनकी आवाज कांपती है, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, उसकी आवाज में सीटियां बजना शुरू हो जाती हैं, जैसे वो बोलता है तो लगता है कि सीटी बज रही हो, लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो उसकी अंतिम अवस्था होती है, दैट इंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, उसके विचित्र, इवेंटफुल मतलब यादगार इतिहास का अंत करती है, मतलब अंतिम जो उसकी अवस्था होती है, जो उसका विचित्र और यादगार इतिहास होता है उसका अंत हो जाता है, यानी कि वह उस समय उस सारी चीजें भूल जाता है, उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वह कमजोर हो जाती है, वह अपनी बातों को याद नहीं रख पाता है, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस मतलब उसका बचपन, चाइल्डिशनेस मतलब बचपन दोबारा आ जाता है, एंड मेयर ऑब्लिवियन, और वह ऑब्लिवियन मतलब भूलने की प्रवृत्ति, जो उसकी भूलने की प्रवृत्ति होती है वह छोटी छोटी बातों को भूल जाता है, मेयर मतलब मोर से कहते हैं, ज्यादातर वह अपनी बातों को भूल जाता है, साइंस टीथ, साइंस मतलब बिना, वह बिना दांत का हो जाता है, साइंस आईज बिना आंख का हो जाता है, साइंस टेस्ट बिना किसी स्वाद का हो जाता है, स्वाद से मतलब यह है कि उससे कुछ चीजें समझ में आए क्या खाता है कैसा लगता है, मतलब स्वाद रहित हो जाता है, साइंस एवरीथिंग मतलब वह सारी चीजों से वंचित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे से यह पोयम समझ में आ गया होगा, और जितने आपके दोस्त साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसको समझने का पढ़ने का मौका मिले।